सैमसंग गैलेक्सी M21 जो मिड रेंज में आने वाला एक कमाल का स्मार्टफोन है और इसका कैमरा भी बहुत बढ़िया है। सो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा M21 के कैमरा का कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आप लोगों ने शायद ही नोटिस किया होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैमरा ओपन कर लेते हैं और पहला जो फीचर है वो फोटो ऑप्शन में ही मिल जाता है। सो कैम स्कैनर में जैसे आप पेज स्कैन करते थे वैसे ही कुछ काम करता है ये। सो जैसे कि मेरे पास नीचे एक पेज है, मैं इसको स्कैन करके दिखाऊंगा। सो इसके सामने कैमरा पकड़ते ही देख सकते हो आप येलो आउटलाइन आ गया है और उसके ऊपर स्कैन लिखा है। स्कैन के ऊपर क्लिक करते ही ये फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फोटो व्यू करके दिखाऊं तो देख सकते हो आप ये क्रॉप होकर क्लिक हुआ है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सिर्फ उतना ही है जितना पेज में था। सो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, स्टूडेंट्स या ऑफिशियल वर्क में ये बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए अगले फीचर की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट फीचर है डूडल और ये सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन में मिलता है और ये एक फ़न फीचर है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए आपको पहले वीडियो ऑप्शन में जाना होगा, देन ऊपर राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो ऊपर दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है फेस और दूसरा है एवरीवेयर, मतलब फेस वाला ऑप्शन में सिर्फ फेस में ही काम करता है ये और एवरीवेयर में आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी और वो 3D फॉर्म में आपके वीडियो में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये। आप नीचे से कोई भी पेंसिल सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो मैं मोबाइल को मूव कर रहा हूँ फिर भी वो वहीं पर है जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था। सो ये 3D फॉर्म में ड्रॉ हो रहा है और नीचे बहुत सारा पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। सो कोई भी एक सिलेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हो और उसके साथ बहुत सारा कलर का ऑप्शन भी मिलता है और हाँ आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो अगला फीचर का नाम है फूड। जो लोग खाना खाते खाते फ़ोटो खींचना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि फ़ोटो बहुत ही अच्छा निकल का आए, ये फ़ीचर उन लोगों के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं ये फ़ीचर कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं पहले जाऊंगा मोर ऑप्शन में, देन ऊपर मिल जाता है फूड ऑप्शन, उस पर क्लिक करूंगा। देन आप देख सकते हो एक सर्कल सा आ गया है और उसके चारों तरफ ब्लरी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सो मेरे पास एक फ्रूट है, मैं इसको उस सर्कल के बीच में रखूंगा और एक फ़ोटो क्लिक करूंगा। सो आप यहां से सर्कल को एडजस्ट भी कर सकते हो और ऊपर एक ऑप्शन है जिससे आप इसका ब्लरी इफेक्ट एनेबल या डिसेबल कर सकते हो और एक ऑप्शन है जिससे आप इसका कलर टोन चेंज कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो फोटो मैंने क्लिक कर लिया है, तो चलिए अब देखते हैं कैसा फ़ोटो निकल के आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और शानदार फ़ोटो निकल के आया है। सो ये फीचर ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, सो आप ट्राई कर सकते हो। तो अगला फीचर है AR इमोजी का। 3-4 साल पहले आईफोन X में जो फीचर दिया था उन लोगों ने वही फीचर यहाँ पर भी दिया है सैमसंग वालों ने। तो चलिए देखते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जाना होगा मोर सेटिंग्स पर, देन ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा AR इमोजी का, उस पर क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ से कैमरा स्विच कर सकते हो और ये प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप कोई भी फेस को ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं एक फेस को ऐड कर लेता हूँ और फ्रंट कैमरा से आप अपना फेस भी ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर SRK का फेस ऐड कर रहा हूँ। सो फोटो क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपने एज के अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप रीटेक भी ले सकते हो। मान लो कि आपको फ़ोटो पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से फ़ोटो को दोबारा क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक 3D कैरेक्टर क्रिएट हो चुका है और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके लिए नीचे कुछ ऑप्शन दिया है। सो पहला ऑप्शन है नेम, आप यहाँ से इसका नेम भी डाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है लुक, जिसके अंडर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है आपको और आप यहाँ से सभी को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो थर्ड ऑप्शन है क्लोथ्स, यहाँ पर बहुत सारा क्लोथ्स मिल जाता है जिसको आप अपने कैरेक्टर को पहना सकते हो और इसी के अंडर अलग अलग ऑप्शन मिलता है जिसको यूज़ करके आप कैरेक्टर को और भी अच्छा बना सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन है एक्सेसरीज़, इन सब को अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, देन आपका इमोजी बन के रेडी हो जाएगा। अब आप अपने कैमरा का यूज़ करके किसी भी फेस में इस इमोजी को प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो चलिए लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं जो है बिग्सबी विजन। सो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है मोड ऑप्शन में ही, इसके अंदर बहुत सारा फीचर मिल जाता है। सो मैं सभी को ट्राई नहीं कर सकता इस वीडियो में, इसीलिए मैं एक को ट्राई करके दिखाऊंगा जो है क्विक रीडर। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। डॉक्यूमेंट
career courses offer job-oriented career courses from a string of 4 centers spread across keyboard. तो ये था एक फीचर. बिग्सबी का बाकी सारे फीचर M21 में कैसे काम करता है इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना. तो मिलते हैं अगले वीडियो पर.